हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये मेरे कॉलेज का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो ये कॉलेज के गेट के अंदर का है और हमारे कॉलेज में बहुत सारा पेड़ है, आप देख सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद से कॉलेज खुला है तो घास वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस पेड़ को पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं। तो जब पहले हमारे स्कूल खुलते थे गर्मियों की छुट्टियों के पहले, तो बहुत सारा आम होता था। तो हम जाके और कॉलेज में आम तोड़ तोड़ के चोरी से बहुत सारा खाते थे, हम सारे फ्रेंड्स ही खाते थे। तो ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और ये हमारा आम का पेड़ जहाँ से हम तोड़ तोड़ कर खाते थे, बहुत नीचे नीचे तक होता था। और ये हमारी ऑफिस है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा फील्ड है। तो मैं आपको अंदर का तो नहीं दिखा सकती क्योंकि अंदर के गेट बंद थे। यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं सारे। और ये यहाँ से शटर से ऊपर जाया जाता है, तो ऊपर भी क्लासेस हैं। ये है ऑफिस, लिखा भी हुआ है। उधर हमारी क्लासेस हैं, तुम्हारी फर्स्ट ईयर क्लासेस उधर लगते थे और सेकेंडरी क्लासेस इधर लगती थी, और बाकी थर्ड ईयर की और बीए वगैरह के छत पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे लगती थी। और ये है हमारा ऑफिस है। और आज मैं शेयर कर रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो आप देख लीजिए। मैं पनीर को कट कर लिया, उसमें से कर दूँगी उसको डीप फ्राई। तो आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है पनीर को, और अब मैं कर दूँ इसको डीप फ्राई। तो मैं जब तक फ्राई हुआ तो मैं मसाले पीस लेती हूँ। तो मैंने लिए लहसुन और थोड़े से लाल मिर्च और दो कटे प्याज और दो टमाटर। अब मैं इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे से कर लूँगी पेस्ट, इसको बारीक बना लूँगी। और यहाँ पर मेरा पनीर भी फ्राई हो रहा है, तब तक मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है। तो हमें अच्छे से तो फ्राई कर लिया है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो भी आप देख सकते हो मेरा फ्राई हो चुका है। और हमें बस इतना ही फ्राई करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता। तो अब मैं इसको निकाल दूँगी और उसे कढ़ाई में वापस में डाल दूँगी। थोड़ा सा जीरा, जीरा चटक जाएगा तो हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो हम डाल देंगे। ये देख सकते हैं मैंने डाल दिया। उसके बाद से हम इसे अच्छे से चला देंगे। चला देने के बाद से हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जब मैं थोड़े बहुत मसाले ऐड करने हैं तो मैं ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी। तो मैं सबसे पहले डाल दूँगी एक छोटी चम्मच हल्दी, और इसमें डाल दूँगी मैं नमक, और ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो ये जो मैं आपको चम्मच दिखा रही हूँ, ये चम्मच से मैंने तीन बड़ चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाला है। और इसमें सब कुछ है, धनिया, जीरा, मिर्च वगैरह सब कुछ है, सारे गरम मसाले, धनिया वगैरह सब कुछ मैंने एक ही बार इसको अच्छे से। और ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, तो आप देख सकते हैं। और इनको हम अच्छे से अब कर देंगे मिक्स। तो हम चला देंगे अच्छे से और इसे अच्छे से हम भुनने देंगे। जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाते हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारे मसाले ऐड कर चुके हैं पहले ही। तो हम इसे थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। तो अभी मैं इसको ढक दूँगी। तो ये देख सकते हैं मेरा मसाला पक चुका है। अभी इस तेल भी छोड़ दिया है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो आप हमेशा गर्म पानी ही ऐड करें जब भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं, क्योंकि उससे ग्रेवी अच्छी बनती है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और हम उसे छोड़ देंगे जब तक कि पूरा फुल बॉयल ना आ जाए। जब बॉयल होने लगेगा तब इसमें, तो देख सकते हैं मेरा बॉयल हो रहा है। हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड पनीर। अब इसमें मैं पनीर ऐड कर दूँगी।
और इसको ऐड करने के बाद से हम अच्छे से इसको चला देंगे। तो हम इसको पनीर को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से ढक के 5 मिनट हम पकने देंगे। मैंने इसमें कुछ एक घर के पनीर भी ऐड किया था और कुछ ख़रीदा हुआ था कि थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने घर पे ही बना दिया। और सॉरी मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कर रही थी। तो अभी ये देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी हो गई है, और जब सब्ज़ी एकदम लास्ट तक पहुँच जाए, लास्ट स्टेप पर गैस बंद करना हो, तो आप ऐड कर दीजिए इसमें कटा हुआ धनिया।